साथ जनता किन किन मुद्दों से परेशान हुई सर? देखिए, जवान, पहलवान और किसान ये तो है ही है, इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी आईडी बहुत बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा में और शहरों में खास तौर पे, और परिवार पहचान पत्र पोर्टल जिस तरीके से बनाए गए, पोर्टल बनाए तो नाम ये लेकर के गए थे कि भाई ये जनता की सुविधा के लिए है, लेकिन उन पोर्टल से जनता परेशान हुई है क्योंकि पोर्टल्स का संचालन सही तरीके से नहीं हुआ। मैं आऊं आपके पास, सही जवाब कुछ कहना चाह रहा हूं, उसका कमाल सा मैं आपके पास आ रहा हूं। ये नाराजगी जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी से नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ज्यादा नाराजगी है, केंद्र सरकार से ज्यादा लोग नाराज हैं। जिस तरीके के केंद्र सरकार ने डिसीजन लिए, चाहे किसानों को लेकर के लिए हो, चाहे जवानों को लेकर के लिए हो, चाहे अग्निवीर को लेकर के लिए हो, चाहे जो है बेरोजगारी को लेकर के लिए हो, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए जफर इस्लाम साहब, नतीजे जो है हरियाणा में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है आपके लिए, और जम्मू कश्मीर में भी जैसा कहा जा रहा था उस हिसाब से आप टक्कर तो कड़ी दे रहे हैं लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े से दूर है। देखिए, ऐसा है कि बहुत ही शुरुआती रुझान है, अभी कई राउंड के बैलेट बॉक्सेस खुलेंगे, कई राउंड की काउंटिंग बची हुई है। जिस तरह के रुझान जम्मू एंड कश्मीर में आ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा सारे बैलेट बॉक्सेस की काउंटिंग होगी तो बिल्कुल ये जो अभी की जो स्थिति है बिल्कुल पलट जाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ। जफर इस्लाम साहब, हरियाणा में तो कुछ उलट पलट नहीं होगा, तस्वीर साफ है? देखिए, हरियाणा की बात जहाँ करते हैं कि ये भी अभी शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर ऐसी इस तरह के नतीजे आते हैं तो हम जाहिर है समीक्षा करेंगे। लेकिन जफर इस्लाम साहब, मुझे गलती बता दीजिए, हरियाणा में क्या हो गई, क्या लग रहा है कि कौन सा मुद्दा, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पर आप अपनी मध्य प्रदेश की परंपरा को नहीं जारी रख पाए, गुजरात की परंपरा को नहीं जारी रख पाए, दो टर्म के बाद तीसरे टर्म में जनता ने आपको बाहर का रास्ता अभी फिलहाल रुझानों में दिखाई दे रहा है? देखिए, मैंने कहा शिवम्बा जी की अभी ये तो बहुत ही शुरुआती रुझान है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक के क्लैरिटी नहीं आए कि हाँ ये लक्षित नतीजे में तब्दील हो रहा है जो रुझान रुझानों से इतर सब। जफर इस्लाम साहब, एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ आपसे, जम्मू कश्मीर में निर्दलीय भी इस वक्त आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या संपर्क साधना शुरू किया आपने निर्दलीय से? देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन में हम स्वीप करेंगे और वैली में हमारे सहयोगी दल होंगे, जो हमारे लाइक माइंडेड लोग होंगे उनके साथ, उनके समर्थन से, यानी निर्दलीय से संपर्क होना शुरू हो चुका है, पहले हो चुका था। बहुत सारे लाइक माइंडेड लोग हैं और हम सरकार बनाने में पीडीपी भी लाइक माइंडेड है, पीडीपी भी। अब ये इस वक्त में कोई, जफर साहब आपने कहा कि क्लीन स्वीप करेंगे जम्मू रीजन में, यानी 43 में से 40 सीटों का आप दावा कर रहे हैं और 5 जो नॉमिनेटेड है वो तो आप ही की तरफ है, ये तो पहले ही विपक्ष ने आरोप लगा दिया, और एक दो आदर्श तो हम मान लें कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जम्मू कश्मीर में, तो मुख्यमंत्री भी बता दीजिए फिर आप किसको बनाएंगे। देखिए, आपको कोई शक हो सकता है, मुझे तो इस वक्त कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचाएगी, सरकार हमारी बनेगी जम्मू एंड कश्मीर में। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा, लेकिन अब मुख्यमंत्री भी आपके, जो कि आप मुख्यमंत्री का नाम लिया है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का एक मुख्यमंत्री होगा जम्मू कश्मीर में और ये अपने आप में एक इतिहास रचेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं जफर इस्लाम साहब आपको, और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, अनिल विज इस समय पीछे चल रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के, वो पीछे चल रहे हैं अंबाला कैंट से, अनिल विज पीछे चल रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि अनंत और प्रत्युष हमें ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस जिस आंधी का जिक्र कर रही थी बिल्कुल क्लीन हरियाणा में, और बड़े बड़े दिग्गज इस समय पीछे चल रहे हैं। कमल हक साहब, मैं जाना चाहूंगा कि जिस वक्त 370 को एब्रोगेट किया गया उस वक्त बड़ी एक कैंपेनिंग की गई थी, बड़ा एक परसेप्शन बिल्ड किया गया था बीजेपी की तरफ से कि बहुत शांति है, नया कश्मीर बन गया है, बहुत बेहतर चीजें हो रही हैं, कोई अंडरकरंट नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जो आंकड़े सामने हैं वो बता रहा है कि बीजेपी की जितनी परसेप्शन बनाने की कोशिशें थी वो फेल हुई हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने पिछले 10 सालों में कश्मीर को समझा ही नहीं, और उम्मीद करते हैं कि शायद अब उनकी आंखें खुल गई होंगी कि कश्मीर में डेवलपमेंट, रोजगार, टूरिज्म ये कोई मुद्दा ही नहीं था, आज तक कभी मुद्दा नहीं था और न कभी ये आगे मुद्दा हो सकता है। यही वजह है कि बीजेपी शायद कुछ हद तक समझ चुकी थी चुनाव से पहले, वो पूरे कैंडिडेट्स भी नहीं ढूंढ पाए थे कश्मीर में। कश्मीर का जो मुद्दा है वो टोटली डिफरेंट मुद्दा है, वहाँ पे एक मेजॉरिटेरियनिज्म
का जो एक इशू चल रहा है वहाँ पे, एक्सट्रीमिज्म का एक मसला जहाँ पे चल रहा है, फंडामेंटलिज्म का जो वहाँ पे अंडरकरंट्स चल रहे हैं, उन चीजों को किसी भी पार्टी ने कभी भी आज तक एड्रेस करा ही नहीं।